गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ BBVN. इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेटा. तो अपन कंटिन्यू करेंगे. क्लासिफिकेशन में पढ़ा था अपन ने सेफेलोकोड डेटा, यूरोकोड डेटा और वर्टिब्रेटा, है ना. तो जो वर्टिब्रेटा है उसको फर्दर क्लासिफिकेशन पढ़ा था. सब फाइलम, डिवीजन, क्लासेज, सब क्लासेज, है ना, ये पढ़ेंगे अपन. तो अपना जो टॉपिक है आज का वो है फाइलम वर्टिब्रेटा का, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम वर्टिब्रेटा. तो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जो है कॉर्डेटा, उसको तीन सब फाइलम में डिवाइड करा गया था, सिफिलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, है ना. तो देखिए बेटा, सिफिलोकॉर्डेट्स क्या होते हैं, इनकी जो डिफरेंस का फीचर है वो है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, है ना. किन्हीं एनिमल्स में क्या होता है कि कॉर्डेट तो होते हैं लेकिन जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है लार्वल स्टेज में, किसी में एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड पे होती है, है ना. तो और किसी में क्या होती है, थ्रू आउट द लाइफ टाइम वो बनी रहती है और रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम. जैसे कि वर्टिब्रेट होते हैं, है ना, उनमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाती है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. तो देखिए कुछ कैरेक्टर्स हैं. सब फाइलम फर्स्ट है सिफिलोकॉर्डेटा, फिर यूरोकॉर्डेटा, देन वर्टिब्रेटा. तो सब फाइलम सिफिलोकॉर्डेटा जो हैं एक्सक्लूसिवली मैराइन होते हैं, मैराइन वाटर में रहते हैं ये, है ना. फिर इनमें जो नोटोकॉर्ड होती है, नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम द एंटीरियर एंड टू द पोस्टीरियर एंड एंड परसिस्ट थ्रू आउट द लाइफ. इनमें क्या होता है सिफिलोकॉर्डेट्स में कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक होती है और ये परसिस्ट होती है पूरी लाइफ टाइम. थ्रू आउट द लाइफ टाइम ये परसिस्ट करती है. जैसे कि एग्जाम्पल है ब्रेंकियोस्टोमा एम्फीऑक्सिस. ब्रेंकियोस्टोमा जो होता है वो एक सिफिलोकॉर्डेट एनिमल है और उसी को अपन कहते हैं एम्फीऑक्सिस, ठीक है. सिफिलोकॉर्डेट का एग्जाम आपको याद रखना है, एक फीचर जो है कि जो नोटोकॉर्ड होती है वो इंटीरियर एंड टू पोस्टीरियर एंड तक एक्सटेंड होती है और परसिस्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ. नेक्स्ट है यूरोकॉर्डेट. यूरोकॉर्डेट भी क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मैराइन लाइक सिफिलोकॉर्डेट्स. इनमें जो कैरेक्टर में डिफरेंस है वो है नोटोकॉर्ड का. वो देखिए, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल रीजन. ये पूरी एंटीरियर टू पोस्टीरियर एंड था, ठीक है, नोटोकॉर्ड सिफिलोकॉर्डेट्स में. यूरोकॉर्डेट में जो नोटोकॉर्ड होती है वो खाली एनल जो टेल होती है, टेल रीजन, है ना, वहाँ पर प्रेजेंट होती है ऑफ लार्वल स्टेज और थ्रू आउट द लाइफ टाइम भी नहीं रहती है. जो लार्वल स्टेज होती है उसी में भी टेल रीजन में ये प्रेजेंट होता है. एग्जाम्पल है साल्पा डोलियोलम, ठीक है. थर्ड जो है वो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा. थर्ड जो सब फाइलम है वो है सब फाइलम वर्टिब्रेटा, ठीक है. वर्टिब्रेटा के अपन ने पहले भी कैरेक्टर जो कॉर्डेट्स के हैं वही इन्हीं के कैरेक्टर्स होते हैं. देखिए भाई, नोटोकॉर्ड जो है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट इन द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस एंड रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट्स, ठीक है. एम्ब्रियोनिक स्टेजेस हैं वहाँ पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो एनिमल मैच्योर्ड होकर एडल्ट बन जाता है तब जो वर्टिब्रल कॉलम है, सॉरी, जो नोटोकॉर्ड होता है वो रिप्लेस्ड हो जाता है बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है. फिर देखिए, क्लॉज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विथ वेंट्रल हर्ट, और हर्ट में भी टू चैम्बर्स, थ्री चैम्बर्स, फोर चैम्बर्स होते हैं. हीमोग्लोबिन होता है इन द एरिथ्रोसाइट्स या RBCs, ठीक है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स कि ब्लड जो है वो फ्लो करेगा इन द ब्लड वेसल्स, ठीक है. नेक्स्ट है किडनीज होती हैं फॉर द एक्सक्रीशन और द ऑस्मोरेगुलेशन. एक्सक्रीशन वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करना. ऑस्मोरेगुलेशन क्या होता है बेटे, सॉल्ट्स जो हैं उनको कंसंट्रेशन जो है वो रेगुलेट करना, ऑस्मोरेगुलेशन. पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं वो, ठीक है. पेयर्ड लेटरल अपेंडिजेस होते हैं. जो लेटरल अपेंडिजेस होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्ड होते हैं, है ना, एक कपल में होते हैं एंड प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द फिन्स, और या तो फिन्स बन जाते हैं जैसे पाइसेस पढ़ाएंगे अपन, ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, है ना. तो उनमें तो फिन्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन और जो एनिमल्स होते हैं उनमें लिम्स प्रेजेंट होते हैं फॉर देयर लोकोमोशन और मूवमेंट, ठीक है. इसके बाद वर्टिब्रेट जो होते हैं बेटा, फर्दर उनको डिवाइड करा गया है इन सिक्स क्लासेस. साइक्लोस्टोमेटा, फिर पाइसेस, पाइसेस को फर्दर डिवाइड करा गया है ऑस्टिक्थिस, कॉन्ड्रिक्थिस, उसके बाद में एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और लास्ट है मेमिलिया. तो इसके बाद अपन पढ़ेंगे साइक्लोस्टोमेटा. फाइलम वर्टिब्रेटा डिवाइड्स इनटू सिक्स क्लासेस. फर्स्ट क्लास इज साइक्लोस्टोमेटा. अपन ने पहले भी बात करी थी कि साइक्लोस्टोमेटा दो वर्ड्स या दो टर्म्स से मिलकर बना हुआ है, कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, साइक्लो एंड स्टोमा.
साइक्लो मीन्स होता है सर्कुलर, साइक्लो मीन्स सर्कुलर राउंडेड है ना, और स्टोमा मीन्स होता है माउथ. तो द एनिमल्स विथ राउंड और सर्कुलर माउथ ओपनिंग इट इज इंक्लूडेड इन द साइक्लोस्टोमेटा. तो राउंडेड माउथ वाले जो एनिमल्स हैं वो इंक्लूड करेंगे साइक्लोस्टोमेटा में. अब देखिए साइक्लोस्टोमेटा में जैसे कैरेक्टर है इनका, कैरेक्टरली दे हैव अ सर्कुलर सेक्टोरियल, मतलब शक करने वाला सेक्टोरियल माउथ विदाउट जोज, और इनमें जोज जो होते हैं एब्सेंट होते हैं. एक्टोपैरासाइट्स और फिश, कुछ एक्टोपैरासाइट्स होते हैं और अदर जो होते हैं वो फिशेज होते हैं. सम आर एक्टोपैरासाइट्स और अदर आर फिशेज, ठीक है. इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं वो होते हैं 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट, ठीक है. नेक्स्ट है बॉडी लैक्स ऑफ स्केल्स, बॉडी जो होती है उस पर स्केल्स और फिन्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं, एबसेंट होते हैं. बॉडी लैक्स स्केल्स और पेयर्ड फिन्स, बॉडी पर स्केल्स और जो फिन्स होते हैं वो एबसेंट होते हैं. क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस, क्रेनियम होती है स्कल का जो कवरिंग है क्रेनियम, ठीक है. और वर्टिब्रल कॉलम जो होता है वो कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कि सॉफ्ट बोन्स का मिलकर बना हुआ होता है. सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है, ठीक है. लास्ट कैरेक्टर इसका मैराइन होते हैं ये, ठीक है. मैराइन होते हैं लेकिन जब भी स्पॉनिंग करते हैं, मींस कि अपने एग्स जो होते हैं वो डिपॉजिट करते हैं या रिलीज करते हैं, उसको कहते हैं स्पॉनिंग. तो उस दौरान ये कहाँ चले जाते हैं, मूव टू द फ्रेश वाटर. तो ये फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं और आफ्टर 2 or 3 days ऑफ स्पॉनिंग दे डाई. और जब भी ये डिपॉजिट या रिलीज कर देंगे एग्स, उसके बाद 2-3 दिन बाद ये क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ठीक है. तो साइक्लोस्टोमेट हो गए सर्कुलर माउथ वाले ओपनिंग वाले एनिमल्स, ठीक है. इनमें फिन्स होते हैं वो पेयर्ड होते हैं और स्केल्स जो होते हैं वो एब्सेंट, 6 to 15 जो पेयर्ड स्लिट्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. क्रेनियम जो है वो कार्टिलेजिनस, वर्टिब्रल कॉलम भी कार्टिलेजिनस होता है. क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक्सक्लूसिवली ये मैराइन होते हैं, लेकिन जब भी स्पॉनिंग होता है इनमें एग्स को रिलीज करा जाता है तब ये मूव करते हैं टू द फ्रेश वाटर. और आफ्टर स्पॉनिंग 2 or 3 days दे डाई, और 2-3 दिन बाद जब स्पॉनिंग हो जाती है तो ये मर जाते हैं. नेक्स्ट जो है अपन पढ़ेंगे पाइसेस, पाइसेस में ऑस्टिक्थिस और कॉन्डिक्थिस के बारे में पढ़ेंगे इन आर नेक्स्ट क्लास. ऑल द बेस्ट.